हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस और आरामको की डील के बारे में क्योंकि रिलायंस ने कहा है कि जो इनकी आरामको के साथ डील थी उसको ये दोबारा से इवेल्युएट कर रहे हैं और इसके चलते इन्होंने जो एनसीएलटी में अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को डीमर्ज करने की एप्लीकेशन डाली थी उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सारा मामला क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है रिलायंस के शेयर पे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों पार्टीज यानी कि रिलायंस और आराम को जो कि इस डील में इन्वॉल्व थे उनके ओवरव्यू के साथ तो रिलायंस की बात की जाए तो ये सितंबर 2021 क्वार्टर के नंबर्स हैं तो आप देखेंगे कि इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी कि 57 परसेंट के आसपास ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है इस सेगमेंट में इनके रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल्स रिटेल फ्यूलिंग एविएशन फ्यूल और बल्क होलसेल मार्केटिंग के बिजनेसेस इंक्लूडेड हैं इसके बाद 21 परसेंट इनका रिटेल सेगमेंट से आता है जिसमें कि रिलायंस फ्रेश जैसे जो कंज्यूमर रिटेल बिजनेसेस है वो इंक्लूडेड है उसके बाद ग्यारह इनका डिजिटल से आता है जिसमें कि जियो है और एक परसेंट के आसपास इनका ऑयल एंड गैस से आता है जिसमें कि ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करते हैं इसके अलावा दस परसेंट रेवेन्यू इनके दूसरे बिजनेसेस जैसे कि मीडिया जिसमें कि सी और मनी कंट्रोल हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे बिजनेसेस हैं तो अभी भी इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो ऑयल टू केमिकल का यानी कि जो रिफाइनिंग वाला बिजनेस है इनका और अब अगर बात की जाए सऊदी अरामको की तो एक सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है जिसको कि 2019 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया था उससे पहले इसकी 100 परसेंट ओनरशिप सऊदी अरे, अरेबियन गवर्नमेंट के पास थी और इसका जो काम है अब अगर आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझे तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऑयल और गैस के रिजर्व है तो ये उसको एक्सप्लोर करते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं और ये रेवेन्यू वाइज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया की तो अब अगर हम इस पूरी डील की टाइमलाइन को समझे तो सबसे पहले अगस्त 2019 में रिलायंस और सऊदी अरामको ने एक नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था जिसके अंतर्गत ये बात की जा रही थी कि ये रिलायंस के ऑयल टू केमिकल यूनिट का यानी कि और बिजनेसेस का नहीं सिर्फ ऑयल टू केमिकल यूनिट का 20 परसेंट के आसपास का हिस्सा लेंगे तो उस टाइम पे ओवरऑल वैल्यू मानी जा रही थी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस की 75 बिलियन यूएस डॉलर है तो अगर उसका 20 परसेंट ये लेते हैं तो लगभग ये 15 बिलियन की डील हो सकती थी उसके बाद दोनों ही कंपनीज दो साल तक आपस में बात करती रही और कोशिश करती रही कि ये डील क्रैक हो सके लेकिन उसमें लगातार डिले होता रहा और डिले होने की वजह थी कि एक तो कोविड 19 पैंडेमिक आ गया उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस गिर गए उसके बाद इंडिया और सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उनके रिश्ते थोड़े से ठीक नहीं चल रहे थे क्योंकि सऊदी अरब ने बोला था कि वो एशिया का जो सेलिंग प्राइस है क्रूड ऑयल का वो बढ़ाएंगे इसके बाद भारत ने यूएस और अफ्रीका से ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू कर दिया तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है कि इसमें लगातार डिले हो रहा था और उसके बाद अगर जून 2021 की बात की जाए तो तब तक भी ये डील लग रहा था कि हो जाएगी क्योंकि रिलायंस ने जो आरामको के जो चेयरमैन है यासिर अल रुमिया उनको अपॉइंट किया था एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड पे और तब यह बताया जा रहा था कि ये जो जो अपॉइंटमेंट की गई है इससे ये जो है इससे डील वो बहुत जल्दी किसी, किसी भी वक्त हो सकती है हालांकि रिलायंस ने हमेशा यही कहा था कि जो इनकी अपॉइंटमेंट है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है ऑयल टू केमिकल डील से तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो पिछले दो साल से दोनों ही कंपनीज ने काफी एफर्ट किए कि किसी तरह से इस डील को कंप्लीट किया जा सके इवन कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जो ड्यू डिलीजेंस की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रही लेकिन फाइनली ये डील नहीं हो पाई रिलायंस ने कहा है कि जैसे कि अब उनका फोकस न्यू एनर्जी बिजनेस पे यानी कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे है तो अब जो अरामको का जो ओ टू सी यानी कि ऑयल टू केमिकल आर्म में जो स्टेक खरीदने का प्लान था उसको री इवेल्युएट करेंगे और अभी के लिए इन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन डाली हुई थी एनसीएलटी में अपने जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस को डीमर्च करने के लिए उसको विड्रॉ कर लिया है और रिलायंस ने अभी हाल फिलहाल में अपने जो प्लान बताए थे कि वो न्यू एनर्जी और मटीरियल बिजनेसिस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो जामनगर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप करना चाहते हैं हालांकि रिलायंस ने बोला है कि वो सऊदी आराम को के प्रेफर्ड पार्टनर अभी भी रहेंगे कि अगर उनको कोई भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिलायंस ही उनका सबसे बड़ा पार्टनर होगा और इसके अलावा वो कोलेबरेट करेंगे सऊदी आराम को और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है सैबिक जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उसके साथ अगर कोई भी उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी सऊदी अरेबिया में इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनके एनर्जी प्लान की है तो रिलायंस ने बोला है कि अगले तीन साल में इसमें 10 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे और उन्होंने इसके लिए एक जर्मन सोलर वेफर मैन्युफैक्चर को भी खरीदा है और इसके अलावा एक डेनमार्क की कंपनी के साथ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक डील साइन की है तो अभी के लिए लगता है कि ये डील कैंसिल मानी जाए और अब आगे क्या होगा ये देखना होगा तो क्या रिलायंस के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि कंपनी इससे 15 बिलियन तक रेस करने की उम्मीद कर रही थी और लेटेस्ट वैल्यूएशन की माने तो माना जा रहा था कि अमाउंट 20 से 25 बिलियन भी हो सकता है तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें दो साल पहले की जबकि ओरिजिनली लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया था तब रिलायंस बहुत ज्यादा कर्जे में था और वो अपने आप को ऑयल बिजनेसेस से डाइवर्सिफाई करके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जियो में और रिटेल बिजनेस में लेकिन अब सिनारियो चेंज हो गया है क्योंकि पिछले एक साल में उनके पास अपने कंज्यूमर बिजनेस के स्टेक को बेच के काफी सारी इन्वेस्टमेंट आ गई है तो अब रिलायंस को इस डील की इतनी अर्जेंसी नहीं थी जितनी की दो साल पहले थी तो अगर बात की जाए पिछले एक साल में जो इन्वेस्टमेंट आई है तो इन्होंने जो अपना रिटेल और डिजिटल वेंचर्स में अपना स्टेक बेचा है उससे इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर से 27 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा रेज किया है जिसमें कि फेसबुक और गूगल की भी इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है इसके अलावा इनका जो रिटेल फ्यूलिंग का बिजनेस है वहां पे इन्होंने अपना 49 परसेंट स्टेक बेच करके ब्रिटिश पेट्रोलियम से एक बिलियन रेस किया है तो इन सभी इन्वेस्टमेंट की वजह से अब रिलायंस ने अपना अपने आप को जीरो जीरो नेट नेट डेट 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 कंपनी बना लिया है है का मतलब ये नहीं नहीं कि उनके ऊपर कोई नहीं है लेकिन उनके पास कैश इतना सफिशियंट है जिससे कि वो अपना डेट पे कर सकते हैं तो अगर सितंबर 2021 के नंबर को हम देखें तो इनका ग्रॉस डेट दो लाख पचपन हजार करोड़ के आसपास था वहीं पे जो इनके कैश और कैश इक्वेलेंट थे वो दो लाख उनसठ हजार करोड़ थे तो ओवरऑल इनका जीरो डेट कम, जीरो नेट डेट कंपनी ये बन चुकी है तो अब इनके लिए इस डील की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी की दो साल पहले थी और अब अगर बात की जाए कि भाई ओरिजिनली ये डील प्लान क्यों की गई थी क्या इसके फायदे थे तो सबसे पहले अगर हम को के लिए फायदे की बात करें तो इस डील के बाद उनका रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ट्वेंटी परसेंट स्टेक हो जाता और उन्हें वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्यूल मार्केट है यानी कि इंडिया उसका एक्सेस मिल जाता इसके अलावा उनको लॉन्ग टर्म क्रूड सप्लाई का एग्रीमेंट हो जाता पांच लाख बैरल पर डे की सप्लाई रिलायंस को चाहिए होती तो वो उसके लिए इसी कंपनी से ऑयल क्रूड ऑयल खरीदते और इसके अलावा जो डाउनस्ट्रीम रोल होता है यानी कि क्रूड ऑयल के बाद जो उसको रिफाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें सऊदी अरामको को एक बड़ा रोल मिल सकता था फ्यूचर में सिमिलरली उनके एक चाइना के एक लार्जेस्ट ऑयल टू केमिकल प्रोजेक्ट में भी इक्विटी स्टेक है जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म क्रूड सप्लाई का एग्रीमेंट हो रखा है इसके अलावा इनका एक जॉइंट वेंचर है सिनोपैक के साथ जो कि हजार रिटेल आउटलेट चलाता है चाइना में तो सिमिलर जो एग्रीमेंट है वो इनका रिलायंस के साथ भी हो सकता था और इनको इंडिया की मार्केट का एक्सेस मिल जाता और अब अगर बात की जाए कि रिलायंस को इससे क्या फायदा था तो रिलायंस को इससे बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता जिसको कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में यूज कर सकते थे इनिशियली तो उनका प्लान था कि अपने डेट्स को पे करेंगे जियो में इन्वेस्ट करेंगे रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन अब ऑलरेडी अपने आप को वो जीरो नेट डेट कर चुके हैं तो अब अगर ये पैसा आता तो वो अपने रिटेल सेगमेंट जो कि बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा सकते थे इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी में अगले तीन साल में दस बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इनको हेल्प मिलती मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सबके मन में ये होगा कि क्या रिलायंस का शेयर मंडे को इस न्यूज के बेसिस पे बहुत ज्यादा गिर सकता है क्योंकि पास्ट में जब भी ये न्यूज आई है कि ये डील आराम को वाली डील हो सकती है तो रिलायंस के शेयर ने हमेशा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है तो क्या मंडे को जब ये डील कैंसिल हो चुकी है तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने एक साल में ट्वेंटी फोर परसेंट की रिटर्न दी है हालांकि पिछले एक महीनों में इन्होंने नेगेटिव से ज्यादा की रिटर्न दी है और एक वीक में तीन परसेंट से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अंदाजा था इस न्यूज का जिसकी वजह से इसके शेयर ने काफी ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव अनालिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 2759 बताते हैं हायर साइड पे 3004 और लोअर साइड पे 1578 जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वो 2473 पे हुई थी यानी कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस ये लगभग 10 से 12 परसेंट नीचे अवेलेबल है तो अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि मंडे को क्या हो सकता है हालांकि बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी हम अगर हम कोशिश करें तो हमारी मार्केट तो फ्राइडे को बंद थी लेकिन रिलायंस का जो जीडीआर लंडन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है वहां पे 0.82 परसेंट की गिरावट देखी गई हालांकि जो ये डील की न्यूज है ये इसकी क्लोजिंग के बाद आई थी मीडिया में लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस न्यूज का हाथ है इसकी गिरावट में इसके अलावा अगर एस जी एक्स निफ्टी को देखा जाए तो हमारी क्लोजिंग के बाद से लगभग 90 पॉइंट के आसपास गिरा है यानी कि 0.5 परसेंट गिरा है हमारी जो थर्सडे को क्लोजिंग हुई थी उसके बाद और अगर रिलायंस की वेटेज देखी जाए तो हमारे निफ्टी 50 में 10 परसेंट से ज्यादा है यानी कि रिलायंस का शेयर अगर 10 परसेंट गिरता है तो एक परसेंट वो निफ्टी को गिरा सकता है और निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है एटलीस्ट एसटीएक्स निफ्टी में तो लगता है कि इस न्यूज के बेसिस पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए तो और और अगर हम कारण देखें कि अगर जैसे दिन की छुट्टी है अगर आज मार्केट ओपन होती तो नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता था यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती थी लेकिन अब दो दिन मिलने की वजह से लोग इस न्यूज को डाइजेस्ट कर पाएंगे अंडरस्टैंड कर पाएंगे इम्पैक्ट को तो जो नीजर्क रिएक्शन था वो अवॉइड किया जा सकता है तो मुझे मेरी ओपिनियन में पर्सनली लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी ज्यादा ज्यादा गिरावट हुई तो एक से पांच परसेंट के बीच में हो सकती है वो भी ऑन द हायर साइड मोस्ट प्रॉब्बली शायद ये एक से दो परसेंट की गिरावट हो ऐसा मुझे लगता है और अगर गिरावट आती है तो क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए तो मुझे लगता है कि रिलायंस खाली इस डील के बेसिस पे नहीं है उनके अब दूसरे बिजनेसेस हैं ग्रीन एनर्जी में उनका फोकस है तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनका शेयर काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है इनके एवरेज प्राइस से तो अगर कोई गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जा सकती है इसके शेयर को खरीदने की हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे इस वीडियो में वो मेरे पर्सनल थे अगर आप रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए अपनी फर्दर रिसर्च करिए और अगर आप उसके बाद कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए थैंक सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल